मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोरोना वायरस के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। मुझे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। मैं कोविड डेडिकेटेड चिरायु अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दिल्ली के लिए एक और अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। 700 बेड वाले बुराड़ी के इस अस्पताल का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उद्घाटन किया। बुराड़ी में नवनिर्मित अस्पताल को अब कोविड मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। 700 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को फिलहाल 450 बेड के साथ शुरू किया जाएगा। 123 बेड ऑक्सीजन सिस्टम से लैस होंगे, जबकि इतने ही बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होगी। 700 बेड का यह अस्पताल सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया है। लेकिन पिछले दिनों जिस तेजी से दिल्ली में कोविड का संक्रमण बढ़ा, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल में बदलने का फैसला लिया। श्रीनगर के रणवीरगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। मुठभेड़ स्थल से 2 पिस्तल, उसके राउंड और कुछ ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, सुबह 6 बजे से जारी इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान को सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों को देखे जाने की सूचना के आधार पर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर स्थित रणवीरगढ़ इलाके में सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। वहां 2 या 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के SOC, सेना के 29 RR और BSF जवान शामिल थे।